हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर इंग्लिश डिकोडर। माय सेल्फ विकास सिन्हा। आज की इस वीडियो में हम एक कंफ्यूजिंग टॉपिक स्पेलिंग एरर से रिलेटेड आईई वर्सेस ईआई के बारे में समझेंगे। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किस वर्ड में आईई हो और कब ईआई हो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो इस वीडियो में मैं जिस ट्रिक का इस्तेमाल किया उससे आप कभी भी प्रॉब्लम फील नहीं करेंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल जाए। और कमेंट में भी अगर कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर वन, जब सी लेटर का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण दंत स हो तो ई आई का प्रयोग किया जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब सी लेटर का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण दंत स हो, ये स, तो ई आई का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ड्स देखिए, परसीव, इसमें स मैंने प्रोनाउंसिएशन में लिख दिया, परसीव का मतलब समझना, स प्रोनाउंस किए तो ई आई लगा। सीलिंग, सीलिंग में भी देखिए ई आई लगा, स प्रोनाउंसिएशन है इसका। रिसीव में स आया तो ई आई हुआ, रिसीव का मतलब प्राप्त करना। डिसीवर में सी को स प्रोनाउंस किए तो ई आई लगा, डिसीवर का मतलब धोखेबाज। कंसीटेड, कंसीटेड में स प्रोनाउंसिएशन है इसका सी का तो ई आई लगा, कंसीटेड का मतलब अभिमानी। रिसीट, इसमें पी साइलेंट होता है, स प्रोनाउंसिएशन हुआ इस सी का तो ई आई लगा, रिसीट का हिंदी मीनिंग रसीद होता है। डिसीट, डिसीट में भी देखिए स प्रोनाउंसिएशन है इसका तो ई आई लगा, डिसीट का मतलब होता है छल। कंसीवेबल, कंसीवेबल में भी सी को स प्रोनाउंस किए तो ई आई लगा, कंसीवेबल का मतलब होता है विश्वास योग्य। अब आगे इसका नोट देखिए आप, नोट। अब नोट में क्या लिखा हुआ है, जब सी का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण तालव श हो, ये श पहले क्या था दंत स और अब क्या हो गया तालव श, या सी के पहले एस हो, मतलब एस का यूज हो सी के पहले, पहली बात ये कि तालव श उसका प्रोनाउंसिएशन हो, या सी के पहले एस का यूज होता हो, तो हम सी के बाद आई ई का यूज करते हैं। पहले था क्या ई आई, अब हो गया आई ई। अब देखिए यहां पे कॉन्शंस, इसको प्रोनाउंस करते हैं कॉन्शंस, यहां मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, इसका मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज। अब कॉन्शंस में देखिए सी के पहले एस लगा हुआ है इसीलिए आई ई लगा। सेकंड है एफिशिएंट, अब देखिए इसको एफिशिएंट प्रोनाउंस करते हैं जिसका मतलब होता है कुशल। अब एफिशिएंट में देखिए कि तालव श, एफिशिएंट तालव श का इस्तेमाल हुआ है तो यहां पर हम आई ई का यूज करेंगे आई ई। नेक्स्ट सफिशिएंट, सफिशिएंट में तालव श है तो देखिए सी के बाद आई ई का यूज हुआ, इसका मतलब होता है पर्याप्त। फिर है प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट तालव श आया तो देखिए आई ई का यूज हुआ है, इसका मतलब होता है प्रवीण, किसी काम में कुशल। अब है एंशियंट, ये तो कॉमन वर्ड है एंशियंट, एंशियंट में क्या है तालव श आ रहा है तो देखिए सी के बाद आई और ई लगा। और दो वर्ड तो बहुत कॉमन है, साइंस, सी के पहले एस लगा, साइंटिस्ट में भी सी के पहले एस लगा तो देखिए सारे में आई ई का यूज हुआ है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं रूल टू में, सी के अलावा किसी अन्य लेटर, मतलब सी को छोड़कर अगर कोई दूसरा लेटर हो तो उसके साथ सामान्यतः आई ई का प्रयोग किया जाता है, मतलब आई ई का यूज करते हैं सी के अलावा कोई भी लेटर हो। एग्जाम्पल्स देखिए, बिलीव, अब आई ई इसमें एल आ रहा है यानी सी के अलावा है तो आई ई। फ्रेंड में आर आ रहा है सी के अलावा है तो आई ई।
थीप में आई ई हुआ क्योंकि उसके पहले एच है, चीप में आई ई के पहले एच है, अचीव अचीव में भी देखिए आई के पहले एच है, ग्रीप में आई ई के पहले आर है, पेशेंस में भी देखिए आई ई के पहले टी है, फील्ड में आई ई के पहले एफ है, आई ई के पहले यील्ड में वाई है, इसका मतलब उपज होता है। सीव में देखिए इसको सीव प्रोनाउंस करते हैं, सीव आई ई के पहले एस है, इस सीव का मतलब होता है चलनी, जैसे आटा वाटा चलते होते हैं ना, उसको सीव कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में तो एक्सेप्शन कहीं कहीं होता ही है, तो इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आई ई ना होकर ई आई हो जा रहा है, जैसे देयर में ई आई, लीजर में ई आई, आइदर इसको इधर भी पढ़ते हैं, नाइदर इसको नीदर भी पढ़ते हैं, ई आई लग रहा है, प्रोटीन में ई आई, सीज में ई आई, सीजर में ई आई, सिज्मिक सिज्मिक में भी ई आई, जिसका मतलब होता है भूकंप संबंधित, फॉरफीट जिसका मतलब होता है जब्त कर लेना, इसमें भी ई आई है, सरफेट अतिरेक मतलब एक्सेस, इसका मतलब यहाँ पे देखिए ई आई है, इसको वेयर प्रोनाउंस करते हैं, वेयर वेयर का मतलब होता है बांध या खेत में तो मेड़ बनाते हैं ना, उसको वेयर कहते हैं, इसमें ई आई है, वेन नस जिसको हम नस कहते हैं ई आई है, वेल मतलब पर्दा या घूंघट, इसमें भी ई आई है, और रीइंफोर्स, अब इसमें देखिए रीइंफोर्स है, रीइंफोर्स मतलब और मजबूत बनाना, सुदृढ़ करना, ठीक है। तो इस सारे में ई आई तो ये एक्सेप्शन है जिसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता, हमें याद रखना होगा। अब इसका नोट देखिए, नोट, अब नोट में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी नाउन के मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में जी एच, जी एच टी या जी एन से पहले ई आई का यूज किया जाता है, ई आई। अब जैसे देखिए स्ले, अब स्ले में क्या है, स्ले इसको प्रोनाउंस करते हैं स्ले, देखिए इसमें जी एच के पहले क्या लगा, ई आई लगा है, इसका मीनिंग होता है घोड़ों के द्वारा खींची जाने वाली बर्फ गाड़ी। सेकेंड में है वे, जी एच आ रहा है, इसमें देखिए ई आई, हाइट, हाइट में देखिए जी एच टी आ रहा है तो ई आई यूज हुआ, वेट में भी जी एच टी आ रहा है तो ई आई हुआ, एट में भी जी एच टी आ रहा है तो ई आई, रेन का मतलब शासन करना, देखिए इसमें जी एन है तो ई आई यूज हुआ, फिर है फेन, फेन मतलब बहाना करना, ई आई का यूज हुआ, जी एन है, फॉरेन में भी जी एन है, ई आई का यूज हुआ, सॉवरेन में भी देखिए जी एन है तो ई आई का यूज हुआ, सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु या स्वतंत्र, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, नेवर में देखिए जी एच के पहले ई आई यूज हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये दो रूल समझ में आ गया होगा, पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, सी यू, बाय।